हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टेटिक्स। आज के वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। सो वनस्पति के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सो आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आंसर को लिखना चाहिए, मैं इसके बारे में फुल जानकारी आपको देने वाली हूँ। और हाँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस प्रोवाइड करूंगी जिससे आपकी फुल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज वेरी शॉर्ट में, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो फलों के अध्ययन करना ही वनस्पति ज्ञान कहलाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक है थियोफ्रेस्ट को माना जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की खोज सन 1831 में की गई थी। वनस्पति शास्त्र की उप शाखा जिसे हम वनों का अध्ययन करते हैं वनस्पति शास्त्र कहलाते हैं। वनस्पति शास्त्र अध्ययन मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान के माध्यम की उत्पत्ति, उनका विकास, शारीरिक संरचना जैसी जैविक प्रक्रिया, व्यवहार, वर्गीकरण, जाति, वंश, अनुवंशिकता इत्यादि पहलू का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, आपका वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन हो गया। आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन दिया है कि भारत के वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, सेम ही क्वेश्चन है एंड आपको इसमें बताना है कि भारत के वनस्पति शास्त्र के जनक कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेकंड में आपका दिया है कि पॉलीहाउस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपको ऑप्शनल में दिया है कि एथनोबॉटनी क्या है बताना है। ठीक है, एथनोबॉटनी के बारे में आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पॉलीहाउस बताने वाली हूँ, एथनोबॉटनी आपको करनी है। अगर नहीं आएगा तो टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आते हैं सेकंड में, हमारा दिया है कि पॉलीहाउस क्या होता है। तो पॉलीहाउस ग्रीन हाउस चारों तरफ से घिरा होता है एक स्थान होता है, जहाँ पर किसी भी समय पर किसी भी फसल को उचित जलवायु तथा पोषक तत्व प्रदान करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है बाजार में उस मूल्य को कम रखने के लिए। ठीक है, उस फसल का मूल्य कम रखने के लिए किया जाता है। ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि पॉलीहाउस या ग्रीन हाउस के चारों तरफ से घिरा होता है, जहाँ पर किसी भी समय पर मतलब फसल को उचित तरीके से हम उत्पादन करते हैं और उसका ही बाजार में उसका फसल का कम मूल्य में उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है कि अनुप्रयुक्त वनस्पति शास्त्र क्या होता है, व्हाट इज अप्लाइड बॉटनी क्या होता है। तो ये आपका जो टॉपिक है ना, ये बॉटनी का जो सब्जेक्ट का टॉपिक है आपका अप्लाइड बॉटनी ही है। ठीक है, अपने सिलेबस से मैच करके तभी आप स्टडी आगे बढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आपका थर्ड में दिया हुआ है कि अनुप्रयुक्त अप्लाइड बॉटनी, और ऑप्शनल में आपका दिया है कि प्रदूषकों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन पोल्यूएंट्स। ठीक है, तो आपको इसमें से मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ अप्लाइड बॉटनी के बारे में करा रही हूँ, बाकी आप करोगे। ठीक है, अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के मानव संपर्क से संबंधित पादप समुदाय परिस्थितिक विषयों पर अध्ययन केंद्रित करता है। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन, प्राकृतिक संरक्षण और प्रबंध, पादप समुदाय और प्राकृतिक आवासों की बहाली और अर्ध प्राकृतिक शहरी परिदृश्यों की योजना बनाना विशेष रुचि का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, आपका ऑप्शनल में आते हैं। ठीक है, कि अब आते हैं हम लोग शॉर्ट में, आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन करने, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है कि ब्लास्ट पर टिप्पणी लिखना है, ब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्ट के बारे में आपको बताना है। ब्लास्ट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, काफी बार एग्जाम में देखा भी गया है। जैसे कि मैं आपको कुछ बोली थी ना, कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगी जिससे आपके पूरे प्रिपरेशन होने वाले, तो इस आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी कौन कौन से वीडियोस आपको पढ़ने हैं, तो यही यही वीडियोस आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, सो जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगा। और हाँ, ये वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, या तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां से भी आपको पूरी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। ओके, और हाँ, अब मैं एक नया वो आपको प्रेजेंस लॉन्च कर रही हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर के साथ उसका आंसर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ब्लास्ट के बारे में दिया है, तो देखते हैं ब्लास्ट क्या है। ब्लास्ट कोशिकाओं के अपरिवक्य कोशिकाएं होते हैं, जिन्हें प्रीकर्सर या स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। ब्लास्ट सभी प्रकार के विभिन्न विशिष्ट कोशिकाओं को जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा दिया है कि फास्टा पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, फास्टा क्या होता है, ऑप्शन में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि फास्टा क्या है, तो फास्टा के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फास्टा क्या है। एक पार्ट आधारित एल्गोरिथम है जिसे डेविड जे विलिप मैन और विलियम आर पियर्सन द्वारा 1985 में विकसित किया गया था। ठीक है, उसी वर्ष प्रकाशित उनके पेपर रैपिड एवं सेंसिटिव प्रोटीन सिमिलैरिटी संचेस पे पहली बार प्रकाशित किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैव सूचना विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान में फास्टा प्रारूप न्यूक्लियोटाइड या अनुक्रम अमीनो एसिड प्रोटीन अनुक्रमों में दर्शाने के लिए एक पार्ट आधारित प्रारूप है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड को एक अक्षर
एकल अक्षर कोड का उपयोग करके दर्शाया जाता है। प्रारूप में अनुक्रमों से पहले अनुक्रम नाम टिप्पणियां रखने की अनुमति देता है। ठीक है, अब आते हैं आपका समा के बारे में पूछा है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा समा के बारे में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्योंकि मुझे सही से इसका डेफिनेशन मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो आप मेरे को बस कमेंट शीट में समा के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देना कि समा क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं कि बथुआ पे देखते, बथुआ पे आपको टिप्पणी लिखनी है ना, बथुआ तो आप लोग खाते ही होंगे, नहीं खाते क्या? साग की सब्जी होती है ना, साग कहते हैं उसको। नेक्स्ट आते हैं कि बथुआ क्या है, फाइबर, आयरन, पोटेशियम जैसे कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं इसमें, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बावजूद इसके सेहत को फायदा मंद पहुंचाने के बहुत ही, अगर आप बथुआ का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, जैसे कि अगर ज्यादा मात्रा में अगर आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है और आपका सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, और लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा अधिक, मतलब क्या है, अगर किसी भी चीज को आप अनलिमिटेड रूप में अगर उसका उपयोग करोगे तो ऑब्वियसली आपको वो नुकसान पहुंचाएगा ही, है ना, चाहे वो कोई भी चीज हो, है ना। कोई भी चीज अगर अनलिमिटेड होती है तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपको बथुआ के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया है कि मानव कल्याण में वानिकी भूमिका को समझाइए। आपको बताना है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में देखते हैं, और ऑप्शनल में आपको दिया है कि सिल्वी कल्चर पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, राइट एंड नोट ऑन सिल्वी कल्चर, तो सिल्वी कल्चर पर आप लोग बताओगे और मानव कल्याण वानिकी की भूमिका को मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। वानिकी से ग्रामीणों व आदिवासियों को रोजगार प्राप्त होता है तथा उनका आर्थिक स्तर मजबूत होता है। ठीक है, वानिकी प्रबंधकों से रोग कारकों को वन वृक्षों की रक्षा की जाती है तथा दानवाल से होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। वन्य जीवन में प्राकृतिक आवास की सुरक्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जिसमें लिखा है कि हाइड्रोपोनिक्स पर ट्रिपल लिखनी है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है कि आपको ऑप्शनल में दिया है कि जैव उपचार पर टिप्पणी लिखनी है, राइट एंड नोट एंड बायोमेडिटेशन के बारे में बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और आपको कोई भी सब्जेक्ट का या किसी भी कैटेगरी का आपको प्रिपरेशन करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अपना सिलेबस और अपना जो भी आपका टाइम टेबल होगा उसे शेयर करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, अच्छे से करिए, ताकि आपके गुड मार्क स्कोर कर सकेंगे। हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चों ने 82 और 95% के सारे सब बच्चों ने स्कोर किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, है ना। आपके बीकॉम के क्या है, करियर के लिए बहुत ही बेटर होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए आपका परसेंटेज मायने रखता है ना, ताकि आप अच्छे से अच्छे मतलब अपने कंपनीज में जॉब कर सकें, है ना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपको कंप्लीट करना है कि मैंने बताया ना हाइड्रोपोनिक्स के बारे में देख लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक फसलें ऐसी पद्धति पर आधारित है जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है और इसके स्थान पर पोषक तत्वों को भरपूर पानी के घोल में उपयोग में लाया जाता है। कुछ संसाधनों का उपयोग करके इन्हें पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक टिकाऊ समाधान के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक फसलें भी घर पर भी उगाई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन से भी आते हैं जिसमें हमारा शॉर्ट हो चुका है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि वनस्पति शास्त्र के इतिहास और विकास पर विस्तृत ट्रिपल लिखनी है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने 14 मार्क्स के हैं। ठीक है, जिसमें आपको पूरे 28 मार्क्स फुल मिलने वाले हैं। तो आप कोशिश करा करिए कि आप 2 से 2.5 पेज या 3 पेज लॉन्ग में लिखा करो, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। क्योंकि 14 मार्क्स क्वेश्चन है तो 1.5 पेज से तो नहीं होगा ना आंसर आपका, 1.5 पेज में तो क्या 2 ही नंबर देंगे अगर 1.5 पेज लिखेंगे तो। कम से कम अच्छे से इफेक्टिव आंसर लिखे हेडिंग के साथ, जिससे आपके फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसमें हमारा पूछा ना वनस्पति विज्ञान के बारे में देखते हैं। वनस्पति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान में सबसे प्रसिद्ध इतिहास से एक है। औषधीय पौधों के प्राचीन उपयोग से लेकर पौधों के डीएनए के अध्ययन तक वनस्पति विज्ञान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वनस्पति विज्ञान विज्ञान का एक विशाल क्षेत्र है, जिसे श्रेय इतिहास में हजारों महत्वपूर्ण वनस्पति विज्ञानों को दिया जाता है, है ना। नेक्स्ट आते हैं, आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण में उपयोग होने वाले 5 पौधों के वैज्ञानिक नाम खुद और उनकी भूमिका बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको कराने वाले हैं। ऑप्शनल के सारे क्वेश्चन आपको करने हो, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, ऑप्शनल क्वेश्चन को भी हैंडल करिए, ताकि हो सकता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में से आपका पुटअप कर ले, है ना। ऑप्शनल क्वेश्चन को भी कंप्लीट करिए, कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। और हाँ, इसका पीडीएफ और आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, प्राचीन कृषि पद्धतियों को समझाने हैं आपको, एक्सप्लेन द एंशिएंट कल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि का बहुत विस्तार क्षेत्र था, है ना। इसका प्रमुख कारण इस काल के अंत में लोहे की फाल का प्रयोग होना, फसल काटने के कारण लोहे के दारांतों का
उपयोग किया जाता था। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिसे प्रमाणित हो सके कि किसी कार्य में दासों का लगाया जाता था, परिवार के लोग ही खेती का कार्य करते थे, है ना। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो आप, और मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, सो गॉड ब्लेस यू।